नमस्कार दोस्तों, शू मंडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी यूनिट में लाए हैं। जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियो में भी आपको अपनी वीडियो में सारा फैक्ट्री का व्यू दिखाया था, ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ पर हम लोग कैनवस और स्नीकर और स्पोर्ट्स बनाते हैं। बेसिकली आगरा में जिस तरीके से शूज़ बनते हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशन और क्या क्या प्रोसेस होता है एक शूज़ को बनाने का जो आप तक पहुँचता है। इवन बहुत ही कम लोग हैं जो आपको लाइव दिखाते होंगे, हम लोग आपको लाइव दिखाने वाले हैं। ऑपरेशन वाइज आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है और कैसे हम लोग करते हैं और क्या प्रोसेस रहता है एक फाइनल बॉक्स में जाने तक। फर्स्ट हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। एक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है पूरी आगरा में हिंकी मंडी नाम से, वहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और अलग अलग जगह से भी करते हैं। कुछ चीज़ें हमें दिल्ली से भी मंगानी पड़ती हैं, कुछ अलग अलग जगह से भी मंगानी पड़ती हैं, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट की वजह से, तो वो हम लोग बल्क में मंगाते हैं। बाकी हिंकी मंडी से हम लोगों को रॉ मटेरियल मैक्सिमम मिल जाता है। उसके बाद हम लोग लाते हैं उस मटेरियल को, सबसे पहले उसकी होती है कटिंग। मैं आपको अपना कटिंग डिपार्टमेंट दिखाता हूँ जो कि अंदर है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक पूरा हमारा कमरा है वो कटिंग के लिए है। स्पेशली हम लोग बल्क में रॉ मटेरियल ला के दे देते हैं और कटिंग कंटिन्यू चलती रहती है। ये कटिंग टेबल होती है, यहाँ पर एक शीट होती है जो कि GI शीट होती है, उसको कट उस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से कंपोनेंट होने वाले हैं हमारे अपर के। ये इस तरीके की शीट होती है, ये शीट लगी हुई है, इसे पक्का पैटर्न बोला जाता है आगरा में, और मतलब अपनी हम लोग भाषा में पक्की शीट कहते हैं। और इसको रखकर फॉर्म के ऊपर फिर इसको ब्लेड से कट किया जाता है। ब्लेड से कट करने के बाद इसको अलग अलग कंपोनेंट को बांध दिया जाता है, उसके बाद ये जाता है फिटर के लिए। अब ये कटिंग हो गया हमारा, कटिंग होने के बाद यहाँ से कंपोनेंट जाते हैं हमारे फिटर सेक्शन में, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे सभी कंपोनेंट को अलग अलग रख के हम लोग पेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको स्विंग मशीन से सिलाई करते हैं, वो भी हमारा इन हाउस है ना। यहाँ पर तीन लोग काम करते हैं कंटिन्यूसली। ये स्विंग मशीन है हमारी और ये यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था कंपोनेंट को अलग अलग काट के हम लोग पेस्ट करते हैं, उसके बाद स्विंग मशीन पर जाता है, वो सारे कंपोनेंट को एक साथ हम लोग फैब्रिकेट करते हैं और फिर हमारा अपर रेडी हो जाता है। अपर इस तरीके से रेडी होता है, हमारा अपर इस तरीके से रेडी होता है। ये इसका पीछे का पार्ट है, ये इसका आगे का पार्ट है, तो इस तरीके से हमारा अपर रेडी होता है। इस अपर को रेडी करने के बाद इसमें से ईवा शीट कट की जाएगी, हम लोग इसको जोड़ेंगे आपस में और वो अपर हमारा रेडी। मैंने आपको अपर दिखा दिया फिटर होने के बाद, पूरा फैब्रिकेट होने के बाद किस तरीके से दिखता है, वो अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट सब कुछ दिखा दिया। ये फाइनल कंपोनेंट मिक्स होके जो बना है हमारा फैब्रिकेट होके, ये अपर हो गया। अपर के बाद रेडी होने के बाद वो आ जाता है बॉटम सेक्शन में। अभी हमारा बॉटम सेक्शन है, बॉटम सेक्शन में इसमें इसे काउंटर कहते हैं। ये जो आगे और पीछे काउंटर दो डलते हैं, फ्रंट में और बैक में, इसको काउंटर कहते हैं और हम आगरा में एड़ा ठोकर कहते हैं इसको। तो ये हमारे अभी 2 mm की शीट होती है, इसको पहले सॉफ्टनर में भिगो के रखा जाता है। ये देखिए ये सॉफ्टनर है, उसमें इसको डिप करके रखा हुआ है। जब तक ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक इसको डिप रखते हैं। और डिप ये देखिए इस तरीके से एक जुगाड़ है मतलब हमारा, तो इसमें इस तरीके से रखा जाता है, इसमें ये डाला जाता है इस शीट को, और शीट में डालने के बाद ये एक सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद इसको हम अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद हम इसको अपर में लगाते हैं आगे और पीछे। अपर में लगाने के बाद अपर में हम लोग लगाते हैं एडहेसिव। एडहेसिव हम आगे आगे लगाते हैं, पीछे पीछे लगाते हैं, फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए अप्रॉक्सीमेटली, फिर वो सूख जाता है। उसके बाद वो जाता है पेस्टिंग सेक्शन में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा बॉटम में फाइनल पार्ट कैसा निकलता है फर्मे में चढ़ने के बाद। दूध लगा मतलब एडेसिव लगा, एडेसिव लगने के बाद सूखने के बाद वो हमने इस तरीके से इसको अपर को हमने इसमें फर्मे पे चढ़ा दिया। इसमें नीचे लगते हैं टिंगल और इसके बाद एडेसिव। एडेसिव लगने के बाद ये हमारा टेक्सन कहलाता है, टेक्सन या लेदर वुड जो भी हम यूज़ करते हैं, और फर्मे के ऊपर ये हमारा इस तरीके से चढ़ा होता है। अब पार्ट आ जाएगा हमारा पेस्टिंग का। पेस्टिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं, ये हमारा सबसे पहले हीटर लगा हुआ है, हीट होता है सोल। सोल को हम नीचे और ऊपर दोनों साइड से हीट करते हैं। जब वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद हम उसमें थोड़ा सा PU लगाते हैं, बाद फर्मे पे से उतार कर जोड़ी इस तरीके से दिखती है हमारी। ये देखिए इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है विदाउट लेस। ये हमने लास्ट पर से उतारा तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये दिखने के बाद हमारा ये हो गया, फिर फिनिशिंग होती है। फिनिश होने के लिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिया जाता है, उसमें इंसोल डाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, क्रिप किया जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग एक इजी से भी धोते हैं या हम लोग काफी बार MEK से भी धोते हैं। उसके बाद इसमें क्या रहता है, कागज लगाया जाता है रोल करके, आपको बटर मिल्क पेपर अंदर मिलता है जो, वो लगाया जाता है। उसके बाद इसमें कागज पन्नी दोनों होने के बाद फिर इसे बॉक्स में पैक करा जाता है। बॉक्स में पैक होते समय एक फाइनल पासिंग होती है जो कि हमारे लिए एक डेडिकेटेड अलग बंदा रहता है जो कि जानता है एक फुटवेयर के बारे में क्या क्या पास करना होता है। जो भी कमियाँ होती हैं उसको ट्रिम किया जाता है, अलग अलग सिलाइयाँ निकली होती हैं, ट्रिम किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। फाइनल क्वालिटी चेक के बाद वो बॉक्स में चला जाता है।
आप तक पहुंचने के लिए, इस तरीके से प्रोसीजर है। तो फाइनली हमने आपको ये व्यू दिखाया, और भी हम आपको दिखाते रहेंगे, हर बार नया आर्टिकल होता है, कुछ आर्टिकल्स नए नए दिखाएंगे आपको, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। 6 to 9, 7 to 10, 6 to 10 साइज सेट अवेलेबल है। 8 पेयर का सेट है, 40 पेयर का कार्टन है, कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, पैन इंडिया डिलीवरी है। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी हमें पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा, कैटलॉग शेयर कर दी जाएगी, आप जब चाहें तब हमें कॉल कर सकते हैं, एनी हाउ आपका कॉल उठाया जाएगा और कुछ भी आप जो पूछेंगे क्वेरी सॉल्व की जाएगी। लाइव वीडियो कॉल करना है एनी टाइम वो कर लीजिए, आपको अपनी हम फैक्ट्री में व्यू करा देंगे कि क्या क्या हम लोगों का बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, सब विजिट करा सकते हैं हम लाइव वीडियो कॉल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।